स्टॉप मारने लगे हैं। होटल से हमने चेकआउट वगैरह कर लिया, बट अभी हम इधर बोल रहे हैं कि फ़ोटो वगैरह खिंचानी, अंदर नहीं जाएंगे, अंदर दो बार ही जा चुके हैं हम, बट बाहर से हम फ़ोटो वगैरह खिंचा के आगे की तरफ जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनी पे। यहाँ पे फोटो में खिंचवाने भी लग गए, बट टाइटैनिक देखो, टाइटैनिक का फिर अपन ही टाइटैनिक है। इतनी बड़ी किश्ती बनाई हुई है उन्होंने, टोकरी पड़ी हुई है, टोकरी के बीच में घास उगा दी, बट सारे फोटो में खिंचा रहे हैं, हम भी खिंचवा लेते हैं कभी फोटो। और पीछे हमारे टाइटैनिक हैं, इन लोगों को होता जी फ़ोटो वगैरह खिंचा लें, बाकी टाइटैनिक का म्यूज़िक चल रहा है। और हमने होटल को कर दिया बाय बाय अंकल, नेक्स्ट ईयर या इस साल दोबारा आना हुआ तो देखेंगे, वैसे तो नेक्स्ट ईयर पर ही आएँगे इलेक्ट्रिकल थी। तो गाइस अभी यहाँ से जाएंगे, दो तीन मिनट की ब्रेक लेनी है और यहाँ से आगे चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गैटलिनबर्ग डाउनटाउन से होते हुए पिजन फोर्ट के, और गैटलिनबर्ग स्मोकी माउंटेन से निकलते हुए हम पहुँच जाएंगे गैटलिनबर्ग में। वहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा घूम घूम लेंगे, फिर उसके बाद एक अद्धे स्टोर पर और जाना है, वहाँ पर जा के फिर सीधा हम निकल जाएंगे घर की तरफ। बहुत फन कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब वेकेशन का यही होता है कि एंजॉय करो, फन करो और रिलैक्स करो, और बस यही चल रहा है। पहले हमने जाना था गैटलिनबर्ग, बट ये रास्ते में पड़ता था तो हमने कहा पहले यहाँ पे हो आते हैं, फिर हम चलते हैं अंदर, फिर आगे जाएंगे हम गैटलिनबर्ग। तो चलिए गाइस, आप लोगों को क्रिसमस पैलेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे सारा क्रिसमस का सामान होता है, मतलब जो भी क्रिसमस रिलेटेड होगा। बाहर इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ ना, तो बड़ा सुंदर लगता है, फन होता है। चलिए गाइस चलते हैं अंदर। तो दिन आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है मुझे, अंदर जाने को तैयार हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बस क्या वही है, लेकिन दबती हो रही, कितना अच्छा सारा। पहले यहाँ पे बर्ड्स भी होते थे, यहाँ पे लोगों के लिए रॉकिंग चेयर्स लगी हुई, यहाँ पे सारा क्रिसमस का सामान मिलता है। सारे क्रिसमस की इन्होंने डेकोरेशन की होती है, मतलब परचेस भी कर सकते हो, ये नट क्रैकर्स पड़े, बट परचेस भी कर सकते हो, बट डेकोरेशन देखो कितनी बढ़िया की होती है। खड़ा हो गया फोटो में खिंचवाने का, इनको बहुत शौक पड़ता है, तो कितनी बढ़िया चीज़ है। कोई से मर्जी रोड से निकल जाओ, बट इधर की तरफ चलते हैं। क्रिसमस की अभी से अगर कुछ पसंद आया तो ले लेना, ये आउल ले लें, असली है। सेंटा पाजी देखो खड़े हैं, सेंटा दिसंबर में है। लाइटों का बहुत यहाँ पे होता है क्रेज, ऊपर भी पूरी लाइटें लाइटें हैं, हर तरफ लाइटें ही लाइटें हैं, ये सारे ग्लोब्स पड़े बेटा, ये देखो ये चीज़ें बढ़िया होती हैं। घुमाना इसको नीचे से, इसको घुमाना, देखिए छोड़ दो। ओह माय गॉड, सो प्रीटी। ये लो पकड़ो, मैच बताओ। अभी इधर की तरफ जा रहे हैं, गार्डन तो पूरा म्यूज हुआ हुआ कि कितनी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे क्रिसमस की, जैसे दिखाते हैं आपको पुराने ज़माने का टूर। सारे जो भी आप लोगों को क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, 12 मंथ्स पूरा खुला होता है ये स्टोर, जब मर्जी आओ और परचेस कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स कितने सारे पड़े हैं,
सांता पाजी, और सांता पाजी जीप वाला ओवन में लेंगे। I don't think they have a jeep. I think they have a tractor ones. Yeah. These are nice. और इधर सारे ornaments लगे हुए हैं। कितने सारे ornaments हैं, कितने different हैं। इधर भी है, सारे ornaments भरा हुआ। Look, I like this one. पाइनएप्पल क्यूट। ये ऑर्नामेंट देखो कितना बढ़िया, ऐसे ऑर्नामेंट बढ़िया लगते हैं मुझे। और ये ट्री देखो, मतलब वीडियो में नहीं इतना अच्छा आ रहा होगा, बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो बहुत ही बढ़िया। और कर देते मम्मी हमारी बैठ गई है। ट्री देखो कितना सुंदर इन्होंने सजाया हुआ, लाइटों ही लाइटें भरी हुई हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। ऊपर से नीचे तक सारी लाइटें लाइटें, और एरोप्लेन देखो कितना, या इट्स एरोप्लेन, कितना बढ़िया लग रहा है। आप परचेस कर सकते हो पूरा का पूरा। फ्रेंड्स ट्रेन भी खड़ी की हुई है, कितनी लाइटें इधर, सारी लाइटें लाइटें हैं। कौन सी, कोका कोला वाली, कोका कोला वाली भी लाइटें हैं, इसके बीच में से लाइट लग जाती है। और ये बड़ लाइट वाली लैंटर्न भी है, अमेरिकन फ्लैग वाली, ये आपको अच्छी लगेगी। पार्टी लाइट्स कोका वाली बंद की होगी पीछे, ट्रेन देखो ट्रेन। अभी नाइट लाइट्स देखो कितनी बढ़िया बढ़िया नाइट लाइट्स लगी हुई है। ये नाइट लाइट्स बढ़िया ना, ये वाली अच्छी लगी मुझे तो, है ना। और ये भी अच्छी है डियर वाली, है ना, ये वाली अच्छी है मुझे तो, ये वाली अच्छी लगी। सारी अच्छी है वैसे तो, कोई से भी ले लो, है ना, बड़ा सही है। और ये देखा, ये लाइट यहाँ से बुझ जाती है, यहाँ से चल जाती है। ये वाली इसको बढ़िया चीज़ें, ये बढ़िया इसको बंद कर दी, बंद हो जाएगा और चल पड़ा। तो गाइस ये था क्रिसमस प्लेस, आप लोगों को थोड़ी बहुत झलक दिखा दी। मेरे ऊपर देखो कितना बड़ा है, ये तो पूरा जैसे महल ही इन्होंने खड़ा किया हुआ। बट ये एवरी डे ओपन होता है, मतलब जब मर्जी आप आके देख सकते हो, ये नहीं कि क्रिसमस टाइम पे भी ओपन होगा, जब मर्जी आके आप देख सकते हो। पेड़ देखो कितना बढ़िया, वाह छतरी वाला पेड़ कितना बढ़िया लग रहा है। अभी वहाँ से हम निकल आए हैं, देखो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखा रहे हैं हम स्टोर की, हर स्टोर की। बट वहाँ से निकल गए, अभी निकल गए हैं हम गैटलिंग बर्ग की तरफ, आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। गैटलिंग बर्ग जाएंगे, वहाँ पे अगर पार्किंग मिल गई तो लगा देंगे। पिछली बार हमें बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिली थी, और इस बार हमें पार्किंग मिल गई तो हम लगा देंगे। तो केड़ी मार के आ जाएंगे। और यहाँ से आप जाओगे तो ये इधर की तरफ सारा पिजन पोर्ट, यहाँ से हमने लाइटें पार करनी है तो सारा स्मोकी माउंटेन्स का एरिया शुरू हो जाना। स्मोकी माउंटेन्स के बाद में आ जाना है हमारा गैटलिंग बर्ड। तो आप देखोगे ये लिखा हुआ है ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क, तो यहीं से एंटर हो जाते हो। यहाँ से सड़क स्प्लिट हो जाएगी, फिर आप एक तरफ स्मोकी माउंटेन्स को जा सकते हो, एक तरफ आप गैटलिंग बर्ड को जा सकते हो। और यहाँ का रास्ता पूरा जंगलों वाला होता है, मतलब आप पॉइंटी रोड से निकल के जाते हो। रात को आओगे तो यहाँ पे बियर बुअर भी आ जाते हैं, बट दिन के टाइम पे आप देखो दूसरी साइड दिखती नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ से आप वाइंडी रोड से निकलते हुए जाते हो, फन है ये भी रास्ता, ये पूरी आपको मेमोरी, जंगल जैसी फीलिंग देता है। हाँ पूरी मेमोरीज हमारे तो पूरी याद आ जाती है, हम कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे। और ये गैटलिंग बर्ग यहाँ से शुरू हो जाता है, हम फिर से ट्रैफिक में फंस गए हैं। गैटलिंग बर्ग तो हमेशा ही फुल रहता है, मतलब ट्रैफिक से कह लो, गाड़ी देखो कितनी बढ़िया मोटरसाइकिल या एक तरह का। और ये सारे गैटलिंग बर्ग के होटल्स हैं, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। और ये सारे गैटलिंग बर्ग की शुरू हो जाती है डाउन।
आ रहे हैं। हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो। यहाँ से पी थी हमने कॉफी, बेंच हटा दिया इन्होंने यहाँ से, बट आज इतना नहीं रश देखे बेटा, इतना नहीं है, है ना? नहीं है। कहाँ पे पार्किंग मिलती है, होपफुली बढ़िया मिल जाए। और हमें जहाँ पे हमने पिछली बार पार्किंग लगाई थी वहीं पर लगा दी है एरी पार्किंग, और ये एरी अपनी गाड़ी, बट $20 की पार्किंग मिली हमें। पिछली बार भी $20 की थी, इस बार भी $20 की है। और अभी हम जा रहे हैं गैटलिंग बर्ग के मार्केट में, ये बंदा बैठा हुआ $20 लेने के लिए, और इधर से जाएंगे ऊपर से घूम के फिर इधर की तरफ आ जाएंगे। बढ़िया है, सेफ होती है पार्किंग, और कहीं पे अगर आवरली लेते हो तो वो भी इतने की पड़ जाती है। चलो बेटा तो पहले ये स्टोर पे जाना है, ज्वेलरी ज्वेलरी देखेंगे, ये आपको एक वाला स्टोर है। क्या लेनी है इनके, उनके लेनी है? यह बढ़िया लग रही है मेरे को, 2420। देखो निकलते ही क्या हमें दिखा, और आगे सारे जीपें अभी भी जा रही हैं, सभी घर को जा रहे हैं, कहीं यहीं पे रहते हैं, कहीं कहीं और से आए हुए वेकेशन बनाने आए हुए, बट फन है पूरा। अरे है माउंटेन मॉल, इसके अंदर चलते हैं, एक अद्धी गेड़ी मार के आते हैं, या फटाफट चलते हैं और इसका भी अंदर से दिखा दे फ्रेंड्स को। वेलकम टू माउंटेन मॉल, एंट्रेंस है, यहाँ से ऊपर से जाएंगे नीचे से आ जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा फनी लगता है मुझे, बंदा है मज़े से बैठा हुआ फालतू, इसको कोई लेना देना नहीं किसी से। हम जाएंगे एलिवेटर से, बेटा ये कौन बैठा हुआ है? ऊपर जाना, नीचे नीचे ऊपर 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 चलेंगे मामा बेयर के साथ। दीपिका हमें छोड़ के हम चढ़ के ई फ्लोर पे, मम्मी के साथ वो ऊपर आ गया। दीपिका कहती मैंने नहीं जाना, बट हम यहाँ भी एक फ्लोर से घूम के हम नीचे चले जाएंगे मम्मी। ई फ्लोर मम्मी ने दबा दी है। और यहाँ पे भी सारी शॉप्स ही हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे मर्जी पलटो सारी शॉप्स ही शॉप्स हैं। और इधर से नीचे चले जाते हैं, मम्मी नीचे जाना ऊपर जाना है, नीचे चलते हैं दोनों पासों नीचे ही जाते हैं, एक उधर ऊपर आती भी इधर ऊपर आती भी, नीचे जाने वास्ते हैं नहीं कहीं। कई दुकानें बंद पड़ी हैं बट कई खुली हुई हैं, हम चल रहे हैं आके शॉप से शॉप से। ये फाउंटेन देखो कहाँ से जाता है, नीचे तक जाता है पूरी। अरे लोगों ने कॉइन सुते हुए ने, विश होनी है ना, विश मांग सकते इतने। अभी हम फिर से लेने लगे हैं एलिवेटर, नीचे चलते हैं। बैले की मार नहीं अपनी जगह फल जाएगी, बट गाइस यही है मॉल के अंदर, सारी शॉप्स ऐसी हैं, कुछ बाय करना हो तो अपन बना के ले सकते हैं। छोटी छोटी दुकानें इतनी बड़ी नहीं है कि जो ही कपड़ों की दुकानें हाथ होती है, जो मतलब यहाँ से लोकल होती है वहीं है। बट अभी हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि दीपिका नीचे खड़ी है, उसका फ़ोन आ गया कि जिस दिन बैठ नहीं रहा। चलिए गाइस नीचे चलते हैं, हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट की। मैं तो पौड़ियों से चला जाऊंगा बट मम्मी पौड़ियों से जाना नहीं चाहती। अभी हमने बी दबा दी है और बी पे जाएंगे, फिर ए पे जाएंगे। मम्मी को हम ऊपर से पूरा घुमा के ला रहे हैं, मम्मी आगे हम जा रहे हैं फज देखने। दीपिका को फज खानी है, यहाँ पे फज बहुत अच्छी होती है, इनकी पूरी फैक्ट्री होती है। अब ढूंढ रहे हैं कौन सी दुकान से मिलती है, बट गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। हम तो ऊपर से घूम के आ गए, दीपिका बेचारी नीचे अकेली खड़ी हुई थी। और इधर से आ जाओ, इधर से जीपे ही जीपे, ओ बल्ले बल्ले। और हम फटाफट करके आ गए, मम्मी पीछे ही रह गई थी, टाइम हमारा हो गया था। तो गाइस मौसम भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, हम भी फज की ढूंढ रहे हैं, वो दूसरी थी दुकान, और इधर हम फज ढूंढने जा रहे हैं, फज कहाँ से मिलेगी। फिर टैफी बन रही है, ये देखो गाइस यहाँ से आप टैफी पर टैफी ये टैफी है, ये सॉल्ट वाटर टैफी होती है, तो ऐसे बनाते हैं। इतना बढ़िया अंकल देख रहा, मुआयना कर रहा है। और देखो कैंडियाँ काट काट के निकल रही हैं, ये देखो कैंडियाँ निकल रही हैं यहाँ से। Thank you.
और ये देखो कैंटी कितना बड़ा ग्लोब बना हुआ है, चिपके डालो पट्टू तक और एक निकलेगा आपके लिए। निकल रहे हैं फिर पहाड़ी रास्ता आ गया, आगे जाके टनल भी आएगी, टनल में बनाना वीडियो बड़ा अच्छा लगता है हमें, और हम यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को टनल में मिलते हैं। पे हम रुकने लगे हैं वो है ये क्रैकर बैरल, जो बेटा फेवरेट स्टोर। फटाफट लंच करते हैं यहाँ से और निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। गाइस बैठे हुए हैं हम, मम्मी के लिए हमने फूड ऑर्डर कर दिया, दीपिका के लिए भी कर दिया, ये हमारा पीछे फील रहा है, बट ये ओल्ड स्टाइल है स्टोर पूरा, इतना रश नहीं है। हमारा ये दीपिका का फेवरेट है और हमारा लंच डिनर वगैरह हो चुका है, बट एनीवे लंच वाज वेरी गुड, फूड बहुत अच्छा था, बट जो सर्विस थी पुअर, पुअर से भी पुअर थी, इसलिए हमने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। हम बैठे रहे 20 मिनट हम बैठे रहे, कोई सर्विस नहीं आई, कोई कुछ नहीं, हम दूसरे सर्वर को बुलाया, फिर वो उसको अंदर जो हमारा सर्वर थी उसको बुलाने गई, बट इट वॉज वेरी पुअर, वेरी हॉरिबल सर्विस, मैं 0 स्टार दूंगा, मतलब वेरी अनहैप्पी था। फूड वॉज वेरी गुड बट सर्विस वॉज पुअर, बनाने में गाइस ये तो चलता ही रहता है। अभी निकलते हैं यहाँ से, पिजन फोर से वेयरवे और गैटलिन बर्ड को बाय बाय करने का टाइम आ गया है और यहाँ से निकलते हैं हम घर की तरफ।